वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम फिर से आपके लिए एक नई मुंह में पानी लाने वाली सब्जी लेके आए हैं। आपने मटर तो ज़रूर खाए होंगे, है ना? आज मैं आपके लिए मटर के छिलके की सब्जी लेके आई हूँ। छिलके वो तो कचरे में जाते हैं। नहीं, इनसे अच्छी सब्जी तो आपने किसी और छिलके वाली चीज़ की नहीं खाई होगी, चाहे वो सेम फली हो चाहे कुछ और। तो आइए देखिए कैसे बनती है मटर के छिलके की सब्जी। तो सबसे पहले तो आपको छिलके निकालने ना मटर पे से। वो निकालने के बाद उनको ऐसे ठीक कीजिए। अब ठीक करने के बाद उसको अच्छे से धोइए। अब धो भी लिया, अब आगे करें तो करें क्या? अब गैस ऑन कीजिए, उस पर कढ़ाई रखिए, तेल गरम कीजिए। आलू को इस तरह काट कर उसमें फ्राई कीजिए और जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए उसको फ्राई करते रहें करते रहें। अब फिर उन जब वो हो जाए उनको एक अलग जगह निकाल लें, जैसे कि हमने निकाल लिए छिलकों के साथ। अब उसी तेल में हम लहसुन प्याज को फ्राई करेंगे। अब जब आप देख रहे हैं कि प्याज इस तरह के रंग के हो गए हैं थोड़े ट्रांसपेरेंट से, तो हम इसमें मटर के छिलके और वो आलू जो हमने फ्राई करे थे डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ी करछी से इसको गोल सा घुमाएंगे, मतलब हिलाएंगे, और फिर इसमें हम हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला डालेंगे। और हाँ, टमाटर भी डाल दीजिएगा काट कर। अब ये सब डालने के बाद आप थोड़ा गाना गाते गाते थोड़ा मज़े लेते लेते सब्जी को हिलाइए। बीच बीच में ढककर रखिए। ढककर रखने के बाद ढक्कन हटा के फिर हिलाइए, जब तक वो कुछ ऐसी कलर की ना हो जाए। अब जब आपकी सब्जी तैयार होगी है, इंतज़ार किस चीज़ का है? उठाओ और खाओ। रोटी के साथ खाओ, दाल चावल के साथ खाओ, जिस चीज़ के साथ खाना है खाओ और मज़े। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ आज के लिए। धन्यवाद।